Now, this is not any ICI notification. This is also not any rumor, and this is also not any exam postponement news. But actually, आपके पास 40 days बचे हैं before your exams. You have certainly got 40 days before your examinations. Now, let me get down to the facts, guys. Suppose exam शुरू होने के 40 to 50 days पहले से आप पढ़ाई शुरू करते, तो दिन का 6 से 7 घंटे का output निकालते, मतलब 40 to 50 days में daily 6 hours, मतलब 300 to 350 hours in total. And अभी जब exams को 20 days बचे हैं, अगर अभी आप दिन के 14, 15, 16 hours लगाकर पढ़ाई करो, तो कितना output हुआ? Again 300 to 350 hours. तो आप देख रहे हो, इस calculation से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि अभी जब exams को 20 डेज बचे हैं, अगर आप शिद्दत से, मेहनत से दिन के 14, 15, 16 घंटे पढ़ाई करते हो, तो एक एक दिन को दो दो दिन, तीन तीन दिन के बराबर यूटिलाइज कर सकते हो. चलो मिनिमम दो दिन के बराबर तो यूटिलाइज कर सकते हो. तो 20 डेज है, इसको एक एक दिन को अगर दो दिन के बराबर यूटिलाइज करो, तो 40 दिन बचे कि नहीं बचे. Guys, it's a psychological and it's a universal phenomenon that an end product of a short-term deadline is much higher. अरे आप ये regular देख रहे हो आज के date में, IPL जैसे आप देखते हो, तो पहले 15 overs में काफी बार वो scoreboard पे 100 run रहते हैं and 20th over में 200 run रहते हैं. तो जो 15 overs में runs निकाले, that is equating to the last 5 overs के runs. Because the intensity, the efforts and जो focus जो last मिनट लग सकता है ना, दैट इज अनबीटेबल. बस देरी है एक बिलीफ की, एक डिटर्मिनेशन की. एंड इफ यू आर रेडी टू हैव दिस बिलीफ, आई एम रेडी टू गिव यू द टिप्स कि कैसे इसको एक्चुअली पॉसिबल करवा सकते हैं, कैसे अपन एक्चुअली 14, 15, 16 आवर्स विथ फुल डिटर्मिनेशन, विथ फुल ग्रिट, ये 20 डेज में एफर्ट्स डाल के अपन एग्जाम्स पास कर सकते हैं. बिकॉज यू नो वॉट गाइज, द गुड न्यूज इज कि अभी तक जो किया वो किया, यू कैन नॉट वेस्ट टाइम इन एडवांस. द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, द वेरी नेक्स्ट सेकेंड इज वेटिंग फॉर यू, बस आपको उसको यूटिलाइज करने की देरी है. तो साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, और लास्ट में एक टास्क बताऊंगी जिसको आपको डेली बेसिस पे करना है. आप वो टास्क करके और ये टेक्निक्स अपना के आप खुद के अंदर आपके ड्राइव आएगी, एंड आप खुद एक फोकस के साथ, खुद डिटर्मिनेशन के साथ और विथ फुल डेडिकेशन आप पढ़ाई करेंगे. जस्ट मुझे नेक्स्ट 4 to 5 minutes अच्छे से सुनना अभी. और ऐसे ही गाइज, ऐसे ही ना बहुत सारे यू नो रिजल्ट चेंजिंग वीडियोस, ऐसे ही बहुत सारे टेक्निक्स, साइंटिफिकली प्रूवन, ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें मैं इस चैनल पे डालती आई हूं और डालती रहूंगी, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, दे हैव सीन द रिजल्ट्स, एंड यू कैन बी द नेक्स्ट पर्सन हु कैन मेक द हिस्ट्री. तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकॉन, बिकॉज जब तक आप एग्जाम्स क्लियर नहीं करोगे ना, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ने वाली हूं. तो लेट अस बिगिन नाउ. सो द वेरी फर्स्ट माइंड सेट चेंजिंग टेक्निक फॉर यू इज एप्लीकेशन ऑफ पार्किंसंस लॉ. गाइस सी, सपोज आपके 8 बजे का मूवी का शो है और मैं आपको 6 बजे से बता दूं कि अपन ना 8 बजे मूवी जाने वाले, तो आप वो 2 घंटा पूरा यू नो ड्रेसअप होंगे, ड्रायर घुमाएंगे, कोई कोई हेडबाथ लेगा, टचअप करोगे, 2 घंटे से रेडी होते रहेंगे. और वो ही अगर मैं आपको 7:45 बोलूं कि 8 बजे मूवी का शो है, तो 15 मिनट में भी रेडी होंगे कि नहीं होंगे. सो द बेसिक क्रक्स हियर इज द वर्क एक्सपांड्स इन एसोसिएशन विद द टाइम वी अलॉकेट टू दैट पर्टिकुलर वर्क. बिकॉज टाइम तो है अपने पास, ये अपन ने जान लिया. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ द फैक्ट कि वी नीड टू बी डिसिप्लिन्ड विद द टाइम वी हैव. और ये डिसिप्लिन कैसे लाया जा सकता है? बाय एक्टिवेटिंग योर जेन मोड. व्हाट डू आई मीन बाय जेन मोड? कि आपको अभी कंप्लीट फोकस सिर्फ आपकी पढ़ाई के ऊपर चाहिए. आपका प्रॉब्लम क्या है पता है? आपकी एनर्जी डाइवर्सिफाइड है, थोड़ी सोशल मीडिया, थोड़ा गिल्ट, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा फ्रेंड्स, थोड़ा चिटचैटिंग, थोड़ा एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर, इसीलिए आप फोकस नहीं कर पा रहे हो. व्हाट इफ ये सब टैब्स बंद हो जाए, आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर है? सो यू नीड टू शार्पन दैट एक्स ऑफ योर्स. एक बंदे को एक ट्री चॉप करने को 2 घंटे लगते हैं और एक को 10 घंटे लगते हैं, बिकॉज वन पर्सन शार्पन्स हिज एक्स. तो आपको आपका एक्स, आपका फोकस शार्पन करना है. उसके लिए हाइबरनेशन मोड में चले जाऊं, एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग. 20 दिन की बात है, 20 दिन एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग एंड क्रिएट दैट हिस्ट्री एंड क्रिएट दैट मैजिक. द सेकंड पॉइंट हियर इज गाइस, क्या है, जैसे जैसे एग्जाम्स आ रही है, थोड़ा सा ना लो फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, एक सिंपल चीज बताती हूँ. कभी कभी ना मुझे भी बहुत लो फील होता है, तो व्हाट आई स्टार्ट डूइंग इज आई स्टार्ट फेकिंग हैप्पीनेस कि मुझे खुश हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, एंड टुवर्ड्स द डे एंड मैं एक्चुअली हैप्पी फील करती हूँ. मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैं एक्चुअली क्यों लो फील कर रही थी. सो दैट्स द मंत्रा फॉर यू नाउ. इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग
कॉन्फिडेंट, स्टार्ट फेकिंग कॉन्फिडेंस. क्योंकि पैनिक में रहोगे तो इफेक्टिव आउटपुट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि फोकस कम रहेगा तो आउटपुट कम रहेगा, और आउटपुट नहीं निकला तो 16-17 आवर्स बैठ के भी कोई फायदा नहीं निकलेगा. सो दैट्स व्हाई नो पैनिक इज अलाउड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. यू नीड टू स्टार्ट फेकिंग कॉन्फिडेंस. तो इसके लिए आप खुद को इवैल्यूएट करो ना टाइम टू टाइम. कॉन्फिडेंस भी एक्ट करेगा आपका कि चलो टेस्ट दे देती हूँ, खुद को चेक कर लेती हूँ कि खुद का परफॉर्मेंस कहां तक पहुंचा है अभी तक. तो जैसे कि गाइज आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो. अभी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि मैम आपके टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करना था बट बुकिंग्स बंद हो चुकी है. आई एम सो सॉरी गाइज, वी हैव क्लोज द बुकिंग्स फॉर दिस अटेम्प्ट बिकॉज गाइज वी हैव रीच्ड द थ्रेशहोल्ड एंड आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ पेपर्स चेक्ड. बट यार बहुत सारी दूसरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, यू कैन गो एंड एनरोल फॉर दैट एज वेल. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि खुद को टेस्ट करना जरूरी है. और अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज देख रहे हो तो अनअकैडमी पे अभी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो. पूरा डिटेल्स में टुवर्ड्स द एंड एक्सप्लेन करूंगी. बट टेस्ट योर सेल्फ, दैट वुड हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस रहेगा तो अल्टीमेटली आपका फोकस हाई हो जाएगा और 16-17 आवर्स पढ़ पाएंगे बाय अवॉइडिंग पैनिक. एंड द थर्ड थिंग इज, यू नो, वी नीड टू ब्रेक दिस मोनोटोनी नाउ. गाइज क्या होता है, मुझे पता है कि आपका फोकस इज एसोसिएटेड विथ योर मूड्स ऑल्सो. और ये मूड ब्रेकर्स क्या एक्ट करते हैं पता है, कि आप उसी कमरे में बैठे हो, उसी जगह पे बैठे हो, वो ही चार दीवारी में सेम लाइफ बिता रहे हो पास चार महीने से. तो यार छोटे छोटे फोकस बूस्टर्स लेके आते हैं अपने डेली रूटीन में. जैसे काफी बार क्या होता है, अपना स्टडी टेबल का एंगल चेंज करने से भी कुछ नया फील होता है. काफी बार सपोज आप लाइब्रेरी में आपका प्लेस चेंज करते हो तो भी आपको नया फील होता है, बोर हो रहा है, चेंज ऑफ प्लेस. जैसे गैलरी में जाके पढ़ाई कर रहे हो, टेरेस पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, यू नो दीज स्मॉल थिंग्स एक्ट्स एज अ फोकस बूस्टर एंड एक्चुअली 16-17 आवर्स का आउटपुट निकलता है. एंड यू नो यू समटाइम्स यू कैन आल्सो चेंज द मेथड ऑफ स्टडिंग. एक ही जगह पे बैठे हो, बुक सामने है, वैसा ना करके व्हाट इफ यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू सम एक्टिव मोड, स्पीक अलाउड, रीड अलाउड. कभी खुद को सिखा रहे हो, कभी खुद को पढ़ा रहे हो, कभी ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो, कभी मिरर के सामने कुछ कर रहे हो. ये छोटे छोटे फोकस बूस्टर्स आपको एक्चुअली वो 16-17 आवर्स के आउटपुट तक लेके जाएंगे. तो अभी एक क्विक टास्क बताती हूँ मैं आपको, जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है. एक क्विकली गूगल पे जाओ, कोई भी आईसीआई का मार्कशीट डाउनलोड करो, उसको एडिट करो, आपके नाम से, आपके जो भी सब्जेक्ट से, उसके आगे आपको जो मार्क्स चाहिए वो लिख दो, पास लिख दो उसके नीचे, और उसको डाउनलोड करके प्रिंट लेके आपके स्टडी टेबल पे चिपका दो. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील डिस्ट्रैक्टेड, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील डीमोटिवेटेड, जस्ट ग्लांस अपॉन दिस मार्कशीट. आप खुद देखना, आप खुद पढ़ाई करना चालू करोगे बिकॉज यू वॉन्ट टू सी दैट पास, यू वॉन्ट टू सी दोज मार्क्स. कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा इसके आगे, ठीक है? तो पढ़ते हैं यार, 20 दिन है, फुल शॉट देते हैं, खुद का बेस्ट शॉट देते हैं. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. सीरियसली हो सकता है, पॉसिबल है, बस पढ़ना शुरू करो, ठीक है? जस्ट वन क्विक अपडेट फ्रॉम माई साइड. तो जैसे गाइस एग्जाम्स के लिए एक महीना बचा है, तो अनअकैडमी ने ना आपके लिए बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल करवाए हैं ये लास्ट एक महीने में. नाउ दीज फ्री रिसोर्सेस आर इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स, इन द फॉर्म ऑफ यू नो सेमिनार्स. बहुत सारी चीजें अभी कंडक्ट हो रही है, जैसे परेश गुप्ता सर आने वाले हैं, रचना रानडे मैम आके गए, बहुत सारी चीजें जो आपके करियर के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए आपको यूजफुल रहेगी. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स दे देती हूँ टेस्ट सीरीज की, जो भी अभी चल रहा है आप सब जाके देख सकते हो. लाइव इंटरक्टिव सेशंस हो रहे हैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, यू कैन गो एंड चेक दोज आउट. एंड इनके एडिशन में अगर आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन खरीदने हैं गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट भी बहुत कम है इधर. एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स है, लाइव इंटरक्टिव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, मैराथॉन्स भी उसी में, फास्ट ट्रैक भी उसी में, टेस्ट सीरीज भी उसी में, विदाउट इवन हैविंग टू पे अ पेनी एक्स्ट्रा. तो बहुत यूजफुल है, आप चेकआउट कर सकते हो. मैराथॉन्स, फास्ट ट्रैक बैचेस बिगिन हो चुकी है अभी स्टूडेंट्स के लिए. तो इफ यू यूज दिस कोड RCH10 तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है. ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट कम है, RCH10 कोड यूज करोगे, एडिशनल 10% डिस्काउंट और एक सरप्राइज भी मिलता है मेरे साइड से, ठीक है? तो या जस्ट गो स्टडी, गिव योर बेस्ट शॉट. दिस इज मी साइनिंग आउट, टाटा.